ओके चलिए अपन स्टार्ट करते हैं सेशन। तो एक बार आप मुझे बस छोटा सा कोई भी एक जना कैंडिडेट कंफर्म कर दीजिए कि आपको वॉइस क्लियर आ रहा है, और जो भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर वो आपको इजीली दिख रहा है। क्या आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ सर, हेलो। ओके ओके चलिए परफेक्ट। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले। मेरा नाम प्रियम शर्मा है, मैं डॉक्सप्रो रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ, एंड राइट नाउ मैं इधर सीईओ ऑफ अमरावती ब्रांच में के लिए वर्क कर रहा हूँ। ये फर्म में मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ, एंड आई डिड माई बीटेक एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। आफ्टर दैट मैंने एसके रोबोटिक्स, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है रोबोटिक्स की जो ह्यूमेनॉइड रोबोट्स बनाती है और आर्म रोबोटिक्स के अंदर काम करती है, मैंने उसके लिए काम किया। वहाँ मैंने तकरीबन 2 साल के आसपास काम किया। देन मैं इस कंपनी के अंदर स्विच हो चुका हूँ। जो हमारी फर्म है ये डिफरेंट इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स और सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए वर्क करती है। अब आज के इस सेशन का मोटो क्या था? यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मतलब आई एम फ्रॉम राजस्थान बैकग्राउंड, तो मुझे थोड़ा मराठी में बोलने में काफ़ी तकलीफ होती है, तो ये सेशन में हिंदी और इंग्लिश में लूँगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है समझने में तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उसको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब अपन करते हैं कि ये सेशन लेने का मेन मोटिव क्या था। देखिए अभी मोस्टली आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब डिप्लोमा से ही, राइट? जब भी हम पॉलिटेक्निक करते हैं इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आइदर आप डायरेक्टली यहाँ से जॉब के लिए प्रेफर कर सकते हो या आप अपनी फर्दर डिग्रीज करते हो, आप फिर बीई और बीटेक के लिए अप्लाई करते हो खुद को, ठीक है? अब क्या होता है कि जब आप बीई और बीटेक के लिए जाते हो देन उसके बाद वापस से आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप फिर वापस से जॉब के लिए ट्राई करोगे एंड या फिर आप वापस से एमटेक और एमई के लिए ट्राई करोगे, ठीक है? मोस्टली अगर आप एमई के लिए ट्राई करते हो अगेन सेम साइकिल रिपीट होता है यहां पे कि एमई के बाद में आप जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो या अब आप पीएचडी के लिए ट्राई करते हो, ठीक है? पीएचडी के बाद मोस्टली हर जना जॉब ही प्रिफर करता है, या तो उसके बाद आप शादी कर लोगे और घर बसा लोगे या फिर आप डायरेक्टली जॉब के लिए करोगे, तो वो पर्सनल लाइफ जो होती है उस पर हम ध्यान नहीं देते यहाँ पे। अब देखिए कि ये जो साइकिल चलती है एक टेक्निकल कैंडिडेट का, ये साइकिल एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। मेरा पिछले साल का एनालिसिस ये है कि जब भी हम जिन कैंडिडेट से मैं बात करता हूँ, जब मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ, मोस्टली ये फर्स्ट टाइम अभी 5 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा सेमिनार हो रहा है जिसमें हम पॉलिटेक्निक के कैंडिडेट्स के लिए कोई सेमिनार अरेंज कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है, जब भी मैंने काउंसलिंग करी है मेरा एक एनालिसिस गया है कि कैंडिडेट्स की टेक्निकल नॉलेज बहुत कम है, हद से ज़्यादा कम है यहाँ पे। नो मैटर वर्ड कि मैं किन से बात कर रहा हूँ, मैं अगर पॉलिटेक्निक के लोगों से बात करूँ तब भी वही मेरा फीडबैक रहता है, जब मैं बी के लोगों से बात करता हूँ तब भी मेरा वही फीडबैक रहता है। इवन फ्रेंकली स्पीकिंग कि अगर मैं यहाँ पे एमई
और पीएचडी मोस्टली पीएचडी के जो होते हैं वो प्रोफेसर्स होते हैं। मैं प्रोफेसर से जब डील करता हूँ तब भी ये होता है कि उनकी टेक्निकल नॉलेज काफी कम होती है। दे आर वेरी गुड इन थ्योरिटिकल सब्जेक्ट्स, दे आर ऑसम इन थ्योरिटिकल डेरिविजन एंड उनके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं। बट अगर हम उनको ये बोलते हैं कि एप्लीकेशन बेस पे आप मुझे ये बताइए कि माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर को कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या कोई कैंडिडेट ने, कोई कस्टमर है हमारा जिसने बोला कि आपको समहाउ दिस 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 एंड फलाना फलाना एप्लीकेशन बनानी है, उसके लिए आपको कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज करना चाहिए, तब वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स हम इस सेक्शन की बात करते हैं तब भी नॉलेज हमारी कम आ रही है, हम एमटेक की बात करें तब भी नॉलेज कम आ रही है, और अगर हम बी की और पॉली की बात करते हैं तब भी हमारी नॉलेज कम आती है। ठीक है, अब ये तो चला था आपका फर्दर एजुकेशन लेवल चल रहा था। अगर हम जॉब के लिए बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे मेरे खुद के कम से कम 20 से 25 स्टूडेंट लास्ट ईयर के जो धूत ट्रांसमिशन में सेलेक्ट हुए थे, ठीक है, कॉलेज से वो धूत मेरे सेलेक्ट हुए, एंड बाद में मैंने उनको फिर डिफरेंट वहां से निकलवा के दूसरी कंपनी में प्लेस्ड करवाया। रीजन बिहाइंड दिस, अगर आप कोई भी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जो है टेक्निकल, ओके, बट वर्क आपका क्या है वो मैटर करता है। हमें हमेशा ये देखना है कि आपका वर्क क्या चल रहा है। अगर आप टेक्निकल कंपनी में काम कर रहे हो बट आप अगर उसके कॉल सपोर्ट के अंदर काम कर रहे हो तो टेक्निकल काम नहीं है, आपकी ग्रोथ कभी वहां पे हो नहीं सकती है। अगर आप टेक्निकल कंपनी में काम कर रहे हो और आपका काम क्या असेंबली लाइन का, कि प्रोडक्ट बन के आएगा उसको डब्बे में भरना है, डब्बा पैक करना, आगे दे देना, फिर वापस नया प्रोडक्ट बन के आएगा उसको डब्बे में भरना, चेक करना और आगे दे देना, यहाँ पे आपकी ग्रोथ कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो वही बात हो जाती है कि एक तो होता है स्विगी और जोमेटो की ऐप बनाना, मतलब उसके टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर काम करना, और एक होता है स्विगी और जोमेटो का डिलीवरी बॉय बनना। तो बोथ है सेम प्लेटफॉर्म, दोनों ही स्विगी जोमेटो के लिए काम कर रहे हैं, बट एक जना है जो टेक्निकल में काम कर रहा है और एक जना है जो डिलीवरी बॉय काम कर रहा है। डिलीवरी बॉय की ग्रोथ नहीं होगी, टेक्निकल वाले पे कैंडिडेट की ग्रोथ होगी। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा डेफिनेटली कि तो फिर सर हम जॉब के लिए क्या करना चाहिए हमें। बेसिकली एज पर माई एक्सपीरियंस हमें जॉब के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए कि हमें जॉब लगे, क्योंकि हम सीखना तो चाहते हैं और सब जने जानते हैं कि कॉलेज हमारे जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस रहता है वो काफी पीछे रहता है, बट हमें एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। अब क्या कंसर्न होता है कि जब भी हम जॉब कब आपको दी जाएगी, जब आपके पास में स्किल्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। स्किल्स होने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी क्या चल रही है मार्केट के अंदर, और ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी के साथ में इनहांस टेक्नोलॉजी क्या चल रही है। अभी जैसे रिसेंटली मैंने देखा है कि पिछले इस साल से हर जना इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात कर रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स अभी पुरानी हो रही है, अभी लोरावेन टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में। ठीक है, एआई मशीन लर्निंग अभी थोड़ी सी पुरानी हो रही है, समझे, अब डीप लर्निंग मार्केट में आ रही है। तो क्या होता है कि जब तक टेक्नोलॉजी बनती है, एक तो वो इंडिया में बहुत बाद में आती है, और बाद में आते बाद फिर वो मुंबई में बाद में आती है, दिल्ली में बाद में आती है, उनके बाद में आती है वो नागपुर में, और उसके बाद में आती है हमारा हमारा अमरावती के अंदर। उस कैंडिडेट को क्या मिलता है, 2-2.5 साल का गैप मिल जाता है। जब तक आप सीखते हो नई टेक्नोलॉजी तब तक वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, और उसके अलावा और कुछ अपडेशन आ जाते हैं। एंड कंपनी वाले को क्या चाहिए, कंपनी को चाहिए एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अगर आपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीख रखी तो ही आप काम के, अदरवाइज आपको वो एंटरटेन करते ही नहीं है। नेक्स्ट थिंग ये आती है कि हमारे टेक्निकल स्किल्स का जो बेस बनता है ना वो ये पॉली होता है, डिप्लोमा। अगर किसी कैंडिडेट ने अपना टेक्निकल थॉट, टेक्निकल विजन, टेक्निकल स्किल्स जो भी है वो अगर इधर डेवलप कर दिए, तो ये मेरा एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है। लास्ट ईयर हम लोगों ने 10 कैंडिडेट्स को लिया था, सॉरी लास्ट ईयर 3 साल पहले की बात है ये, हमने 10 कैंडिडेट्स को लिया था जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के पॉलिटेक्निक के उठाए थे और डिफरेंट बी के कैंडिडेट उठाए थे। उसके अंदर मैंने 5 कैंडिडेट लिए थे जो बी के थे और 5 कैंडिडेट थे जो पॉली के थे। ठीक है, अब ये कैंडिडेट कौन से हैं, जो पॉली के कैंडिडेट थे उनको जब हमने स्किल सिखाए, वो जब बीटेक के अंदर, वो थर्ड ईयर के थे, जब वो बीटेक के अंदर गए एंड अभी वो फाइनल ईयर के अंदर है, दे आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोजेक्ट। ओके, उनके स्किल सेट इतने डेवलप हो चुके हैं वो खुद से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और वो एकदम इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाते हैं। मतलब वो जो टेक्नोलॉजी प्रेफर करते हैं वो आप लोग देखते ही नहीं हो। एंड जो ये बी के बच्चे थे, ये कौन से बच्चे थे, जो डायरेक्ट मतलब 11-12 पढ़ के आए थे। ओके, जिनका टेक्निकल बेस क्लियर नहीं था। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, जस्ट अ मिनट।
तो ये वो बी के कैंडिडेट थे जिनका टेक जो 11-12 से आए थे, तो उनके बीच में जब ये दोनों ही जने सेम लेवल के ऊपर आए, तब हमने नोटिस किया अगर अगर हम पॉली के लोगों को ही टेक्निकली गुड साउंड करने में अगर हम सक्सेस हो जाते हैं तो हमारे आगे की जो पूरी चेन थी ना वो सेट हो सकती है। एंड सिर्फ इन लोगों के बेसिस के ऊपर हमारा जो विजन है कि हम इंडिया में जो ये बात हो रही है ना कि इंजीनियरिंग कम हो रही है, इंजीनियरिंग में लोग इंटरेस्ट नहीं दे रहे, उस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं। तो वो हमारा 10 कैंडिडेट का एक्सपेरिमेंट था जो हमने किया, वो सक्सेसफुल रहा। उसके बेसिस के ऊपर हम लोगों ने एक मिशन चलाया कि हम लोग पॉली से बच्चों को ट्रेन करना स्टार्ट करेंगे, इनके स्किल सेट्स हम यहाँ से डेवलप करेंगे ताकि वही स्किल सेट उनको बीटेक में बेनिफिट देंगे, वही स्किल से एमटेक और पीएचडी या जिस लाइन में भी आपने जॉब पकड़ ली उस लाइन में आपको बेनिफिट देंगे ये। ओके, तो ये बस एक छोटा सा समरी था इसके बारे में। अब हम ये देखते हैं कि किन कैंडिडेट्स को हम किन डिपार्टमेंट्स के अंदर हम लोग जॉब कर सकते हैं और किस टाइप की कंपनीज के अंदर हम लोग जॉब कर सकते हैं। ओके, और उसके लिए हमें अभी राइट नाउ सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पॉली के लिए क्या करना होगा। बेसिकली हमने इसको सेग्रीगेट किया है ईएक्सटीसी ब्रांच में इलेक्ट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग डेफिनेटली अगर किसी के पास पेपर पेन हो तो लिखिएगा इसको। और मैकेनिकल ब्रांच में यहां हम दो चीजों की एकदम सेम टाइम पे बात करेंगे, प्रोजेक्ट की भी हम बात करेंगे और सेम टाइम पे हम प्लेसमेंट की भी बात करेंगे। अब क्या किसी का उनमें ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि प्रोजेक्ट और प्लेसमेंट तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सर, प्रोजेक्ट तो हम कॉलेज में देते हैं और प्लेसमेंट तो हमारे करियर से रिलेटेड रहता है, दोनों का आप मिक्स कैसे कर सकते हो? बट अगर आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट ही बेस्ट रहेगा तो उसी के बेसिस के ऊपर आप लोग प्लेसमेंट में इजिली क्रैक कर सकते हो। कोई भी रैंडम सीनियर को कॉल करो जिसने इंजीनियरिंग में टेक्निकल कंपनी के अंदर काम कर रहा हो, उससे आप पूछो कि आपका जब इंटरव्यू हुआ था क्या आपसे ये पूछा गया था क्वेश्चन कि व्हाट्स योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, टेल मी अबाउट योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। वो मना कर ही नहीं सकता है ना, क्यों? क्योंकि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सबको पता है कि एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आपको वर्क करना पड़ता है एंड वो मैंडेटरी है। तो दैट मीन्स आपको वो चीज के बारे में होल एंड सोल पता होना ही चाहिए। यू कांट बाय अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट फ्रॉम एनी वेबसाइट, आप वेबसाइट वगैरह या कहीं से रेडीमेड प्रोजेक्ट अगर ले रहे हो तो गाइस आप अपना जो आगे का ग्राफ है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हो। यहाँ पे बात बराबर रहेगी कि शायद आपको 1 साल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पूरा फाइनल प्रोजेक्ट रेडीमेड मतलब बॉक्स के बन के आपको रेडीमेड दे दिया जाएगा। अब वो सीखो, मतलब सीखो तो बेनिफिट है आपके लिए, बट अगर आप किसी शॉप पे जाके रेडीमेड प्रोजेक्ट उठा रहे हो जो आपको सिर्फ ऊपर से वर्किंग बता रहे प्रोजेक्ट की, ये कंपोनेंट ऐसे काम करता है, ये करता वो करता है, या प्रोजेक्ट की वर्किंग क्या है, तो वो मतलब नहीं आपके लिए। आपने अब आगे का सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया अपना करियर, इससे अच्छा छोड़ो इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और होम साइंस ले लो और खाना बनाना सीखो। अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, उसका पीसीबी लेआउट कैसे बनता है, कोई कंपोनेंट वहां पे क्यों लगाया गया है, उसका अल्टरनेटिव क्या है, ये सब चीजें हम आगे आने वाले सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ब्रांच वाइज हमारे पास में कुछ सेक्टर्स होते हैं जिनके अंदर हम लोग काम कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं लेता हूँ ईएक्सटीसी वाले को। ईएक्सटीसी वाले हमेशा काम करते हैं, प्रिफर कर सकते हैं अपना डिपार्टमेंट एम्बेडेड सिस्टम, मैं एक को एक्सप्लेन भी करूंगा आपको, एम्बेडेड सिस्टम, आईओटी, इंडस्ट्री ऑटोमेशन। ओके, देन हमारे पास में आता है इलेक्ट्रिकल वाले के लिए। इलेक्ट्रिकल वाले काम करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन में। ठीक है, इनका एक छोटा सा सेगमेंट से रहता है एम्बेडेड सिस्टम के लिए भी, आप एम्बेडेड सिस्टम में भी काम कर सकते हो। ठीक है, देन आता है आईटीसीएस। आईटीसीएस वाले किसमें काम करते हैं? ये काम करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, ये काम करते हैं ऐप डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये काम करते हैं पाइथन के लिए, ये पाइथन को चूज कर सकते हैं, बिल्कुल ये आईओटी को चूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये एम्बेडेड सिस्टम को भी चूज कर सकते हैं, एम्बेडेड सिस्टम को भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपके लास्ट डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट। मैकेनिकल डिपार्टमेंट सॉलिड वर्क्स, मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑटोमेशन मतलब पीएलसी, पीएलसी स्काडा कहते हैं, ये चीज से आप लोग काफी अच्छे से फेमिलियर होंगे आपके।
कॉलेज का एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी होता है पीएलसी स्काडा, पीएलसी स्काडा में ही डील कर सकते हैं ये, ठीक है। अब ये देखिए कि एम्बेडेड सिस्टम तीन जगह कॉमन हो रही है, ऐसा क्यों? तीन डिपार्टमेंट एम्बेडेड सिस्टम पे क्यों काम कर रहे हैं? द रीजन बिहाइंड दिस, अगर मैं ब्लूटूथ ईयरफोन, सब लोग ना आई गेस यूज किया होगा ब्लूटूथ ईयरफोन, ब्लूटूथ हेडफोन वगैरह सबने यूज किया होगा, अगर मैं ब्लूटूथ हेडफोन बनाने वाली कंपनी शाओमी के अंदर काम कर रहा हूँ, रेडमी के अंदर काम कर रहा हूँ, रियलमी के लिए काम कर रहा हूँ, मैं किसी भी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, या अपने स्कल कैंडी हो गया, जेबीएल हो गया, किसी भी ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ जो ब्लूटूथ ईयरफोन बनाती है, तो वो ब्लूटूथ ईयरफोन जो होता है वो बनता है एम्बेडेड सिस्टम के अंदर, ठीक है। कोर ब्लूटूथ रहेगा उसके अंदर, कुछ सर्किटरी प्रोग्रामिंग, दैट्स इट, खत्म, इसके अलावा और कुछ भी नहीं, ओके। बट यहीं पे अगर मैं कोई ऐसा सिस्टम बना रहा हूँ कि मेरी मशीन चल रही है ना, मेरी कोई फैक्ट्री है, बर्तन बनाने की फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री एक दिन में कितने बर्तन बनाती है ये मुझे मेरे लैपटॉप के अंदर एक एक्सेल शीट सेव हो जानी चाहिए या एक रिपोर्ट बन जानी चाहिए। तो अगर मैं किसी फैक्ट्री के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं वहां पे एम्बेडेड सिस्टम यूज करता हूँ, ठीक है, फैक्ट्री ओरिएंटेड वर्क के लिए। जैसे कि मेरी कोई फैक्ट्री की कोई मोटर है, वो मोटर कब खराब हो जाएगी मुझे पहले पता पड़ जानी चाहिए, तो मैं उसको उसके ऊपर पहले से स्पेयर पार्ट जो बुलवा के रखूँ ताकि मेरा प्रोडक्शन नहीं रुकेगा। अब आता है ITCS का क्या काम है यहाँ पे एम्बेडेड सिस्टम में, क्या यहाँ पे कोई भी ऐसे कैंडिडेट है जो ITCS का है? क्या आप में से कोई भी यहाँ पे है जो ITCS का है? प्लीज बोलिए अगर आप ITCS से बिलोंग कर रहे तो। ओके, तो देखिएगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा रोशनी आ रहा। तो क्या होता है, ITCS वालों को क्या काम है यहाँ पे? सबने SBI का इनटच तो देखा ही होगा, वहां पे एक मशीन है जिसको हम बोलते हैं CDM, कैश डिपॉजिट मशीन। ये क्या काम करता है, पैसा डालिए उसके अंदर, आप कभी भी उसमें पैसा डालिए, हाथों हाथ आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ जाएंगे इंटरनेट के थ्रू। आप इंडिया के अंदर किसी भी CDM में पैसा डालिए, SBI के अंदर पैसा जुड़ जाएगा। वो मशीन बनाई है एसेंचर ने, एसेंचर एक IT फर्म है। ITCS वाले कैंडिडेट एम्बेडेड क्यों प्रीफर करते हैं? क्योंकि प्रोग्रामिंग करी जा सकती है पर हार्डवेयर के साथ प्रोग्रामिंग करनी होती है आपको, है ना। तो जब ITCS वाला एम्बेडेड सिस्टम लेता है तो वो प्रीफर करता है IoT प्लस एम्बेडेड सिस्टम, एक कॉम्बो जिसमें एक कोई हार्डवेयर है उसको इंटरनेट से कैसे चलाया जाता है वो यहाँ पे ITCS वाला कैंडिडेट सीखता है। या आपको अगर मेल कराना है तो कैसे मेल करना है, एक्सेल शीट अपडेट करनी है तो कैसे शीट अपडेट करनी है, वो आपको ईमेल पे जानी चाहिए, फोटो क्लिक होनी चाहिए, ये सब हम इसके अंदर वर्क कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में IoT। IoT होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर आपको एक मोबाइल का सेटअप बनाना है तो वो IoT के लिए बनेगा, क्यों? क्योंकि मोबाइल के अंदर इंटरनेट यूज होता है। वहां पे कैसे हम हार्डवेयर के थ्रू फोटो भेज सकते हैं, कैसे हम हार्डवेयर के थ्रू आपका वॉइस कनेक्ट कर सकते, इवन अभी जो हमारा सेशन चल रहा है ये एक IoT बेस्ड सिस्टम है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एम्बेडेड एंड IoT, ओके। क्यों? क्योंकि ये मेरा पूरा एक हार्डवेयर है, मेरे लैपटॉप का एक कैमरा है, मेरे लैपटॉप में एक माइक है, लैपटॉप में एक स्क्रीन है, और मेरे पास एक टैबलेट है जिसके ऊपर मैं लिखता हूँ, आईपैड के ऊपर लिखता हूँ, तो तुम लोगों को उधर दिखता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट एम्बेडेड सिस्टम है, बट आप क्यों दिख रहा है वो, क्यों? क्योंकि ये सिस्टम कनेक्ट किया गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ में, इस वजह से आपको ये पूरा लाइव सेशन दिख रहा है LCD के ऊपर, ओके। देन आता है इंडस्ट्री ऑटोमेशन। इंडस्ट्री ऑटोमेशन एक ऐसी डोमेन होता है जो कभी बंद नहीं हो सकती, अगर जब तक इंसान जिंदा है इस दुनिया में तब तक ऑटोमेशन बंद नहीं हो सकता। तो ये जो होता है ये हम इसको क्रूड लैंग्वेज में बोला जाता है, मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं, क्रूड लैंग्वेज, दैट मीन्स होता है कि कंपनीज में बोलचाल की क्या भाषा होती है, तो इसको बोला जाता है संजीवनी बूटी। अगर हमने इंडस्ट्री ऑटोमेशन में हाथ जमा लिया हमारा तो हम कभी भी भूखे नहीं मरेंगे, कोई ना कोई कंपनी आपको इजीली जॉब दे देगी। एंड ये अब तक का मेरा रिकॉर्ड रहा है कि जैसे अगर एक बैच के अंदर मान लीजिए हमारे 18 बच्चों का गैदरिंग होती है, तो मतलब पर पैनल दो दो बच्चे काम करते हैं, मतलब एक PLC के ऊपर दो बच्चे काम करते हैं, दैट मीन्स 18 बच्चे की नौ ग्रुप बनते हैं हमारे पास में। तो अगर मेरे पास में 18 बच्चों की गैदरिंग रहती है एक बैच के अंदर, वो डायरेक्ट मैं 15-13 बच्चे डायरेक्ट प्लेस हो जाते हैं जो फोर्थ ईयर के। रीजन बिहाइंड दिस, इंडस्ट्री ऑटोमेशन हमेशा वर्क करता है, हर कंपनी को रिक्वायरमेंट है,
कोई भी फैक्ट्री ये बोल ही नहीं सकती कि भैया मुझे तो इंडस्ट्री ऑटोमेशन नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि उससे उसका पैसा डबल हो रहा है, उससे उसका मैन पावर इंक्रीज नहीं हो रही, उससे उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है विदाउट लोगों को हायर करे हुए. ओके, तो सेम इंडस्ट्री ऑटोमेशन रहता है एंड सेम वो चीज रहती है इलेक्ट्रिकल के लिए भी. बाकी वेब डेवलपमेंट आप लोग काफी फैमिलियर होंगे, कोई वेबसाइट अगर आपको बनानी, ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी, पोर्टफोलियो बनाना है तो वेब डेवलपमेंट होता है. ऐप डेवलपमेंट अपने मोबाइल के लिए ऐप अगर कुछ बनाने दिए. अब आता है पाइथन के लिए हमें क्या करना पड़ता है. तो पाइथन हम यूज करते हैं एआई के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एंड मशीन लर्निंग के लिए, एंड अब यूज किया जाता है ये डीप लर्निंग के लिए. डीप लर्निंग क्या चीज होती है? डीप लर्निंग ये चीज होती है कि एग्जाम्पल जब हम देखेंगे, जैसे मुझे यहाँ पे अभिषेक गायकवाड़ का नाम दिख रहा है, तो हम फर्ज करते हैं कि अभिषेक गायकवाड़, कुणाल और मैं प्रियम शर्मा, हम तीन जने फेसबुक पे ऐड हैं. ठीक है, जब भी अभिषेक अपनी कोई फोटो अपलोड करता है तो वो हमेशा मेरे साथ में फोटो अपलोड करता है, ठीक है, और कुणाल के साथ फोटो अपलोड करना है, और वो वहां पे मेंशन करता है कि टैग करता है कि दिस इज प्रियम शर्मा, दिस इज कुणाल. तो ऐसा क्या हो रहा है कि फेसबुक जो है वो ट्रेंड हो रहा है, फेसबुक खुद से देख रहा है कि प्रियम शर्मा के डिफरेंट डिफरेंट फोटोज कैसे होते हैं, कब इसका अटायर होता है, इसकी हेयर स्टाइल कब होती है, इसका फेस एक्सप्रेशन कब किस फोटोज में होता है, कभी हंसते नहीं हंसते, एक्स वाई जी, हर फोटो में सिस्टम खुद से ट्रेंड होता है फेसबुक का. अब क्या हुआ, थोड़े दिन बाद प्रसाद ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी फेसबुक पे. प्रसाद और हम लोग कहीं बाहर खाना खाने गए, प्रसाद ने एक फोटो निकाली मेरे साथ में और उन्होंने अपने फेसबुक पे ऐड किया. अब क्या हो रहा है कि प्रसाद और अभिषेक भी फ्रेंड है ऑलरेडी, समझे बात को, प्रसाद और अभिषेक भी फेसबुक पे फ्रेंड है. तो अब हम कितने लोग फ्रेंड बने, प्रसाद, अभिषेक और मैं, हम तीनों जनों का एक सर्कल बन गया. जैसे ही प्रसाद मेरे साथ फोटो अपलोड करेगा, फेसबुक उसको इंस्टेंट एक सजेशन दे देगा, डू यू वांट टू टैग प्रियम शर्मा, और उसके ऊपर मेरे फेस के ऊपर एक चौकोन बॉक्स बना देगा वो. ये आप लोग करके देखिएगा किसी भी फ्रेंड के साथ में जो अपनी फोटोज अपने खुद के फेसबुक पर अपलोड करते हैं, आप टैग कीजिएगा, वो आपको बराबर नाम बताएंगे. परंतु ये सिर्फ तभी वर्क करेगा जब वो खुद अपनी एक्चुअल फोटो अपलोड करते प्लस वैलिडेट लोग कर रहे हैं उनको. वैलिडेशन मतलब क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे कौन है, नेहा, नेहा ने अपनी फोटो कभी अपलोड ही नहीं करी फेसबुक पे. नेहा अपलोड करते हमेशा कैटरीना कैफ की फोटो, ठीक है, और फिर साक्षी ने एक दिन नेहा के साथ में, मतलब साक्षी को तो भी मूवी देखने गई जिसमें कैटरीना कैफ दिख रही थी पीछे, साक्षी ने क्या किया, कैटरीना कैफ के साथ में फोटो निकाली और अपने फेसबुक पे ऐड कर दी, मूवी का पोस्टर था. तो फेसबुक कभी ये नहीं बोलेगा उनको कि डू यू वांट टू टैग नेहा. ओके, रीजन बिहाइंड दिस, सिस्टम ऑलरेडी ट्रेंड हो चुका है, डीप लर्निंग को पता है ये बात कि असली नेहा कौन है और असली कैटरीना कौन है. ठीक है, तो भली साक्षी नेहा, साक्षी भली कैटरीना कैफ के साथ फोटो अपलोड करेगी, फेसबुक कैटरीना कैफ के ऊपर कुछ भी बॉक्स नहीं बनाएगा क्योंकि उसको पता है कि ये जो चेहरा है ये नेहा जैसा नहीं मिल रहा है. ओके, तो इस टाइप से इसको बोलते हैं वैलिडेशन करना. अब वो वैलिडेशन कैसे होता है, आप सलमान खान जो भी स्टार्स होते हैं इनके फेसबुक पे जाएगा, एक ब्लू कलर का राइट टिक बना हुआ दिखेगा आपको, वो होता है वैलिडेट करना कि ये जो पर्टिकुलर फोटोज है ये इन्हीं लोगों की हैं और इनको अब कोई भी यूज करेगा तो वो टैग में नहीं होगा. ठीक है, ये चीज होती है वैलिडेट करना. तो ऐसे ये इतना काम करता है ये. ठीक है, तो दैट्स अबाउट डीप लर्निंग. अब हम काम करते हैं एग्जैक्टली कि ये तो हो गया टेक्नोलॉजी जो अभी हमने देखा, एक छोटा सा रिवाइज करवा रहा हूं मैं. एम्बेडेड सिस्टम, आईओटी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल वाले डोमेन प्रीफर किए जाते हैं. एंड ये प्रीफर क्यों है, उसका ये रीजन है कि इसकी वजह से ही हमें आगे जाके बेनिफिट होता है. हम जॉब के लिए जब बैठेंगे तो हम बोलेंगे कि सर हमने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो एम्बेडेड सिस्टम पे बेस्ड है पर वो रियल टाइम बेस्ड है, तो हमारे चांसेस ज्यादा हो जाते हैं ओके जॉब में सेलेक्ट होने के लिए. अब हम ये देखेंगे कि ये सब तो ठीक है, डोमेन हमारा सेलेक्ट हो गया है, कोई भी एक डोमेन हम सेलेक्ट इजीली कर लिया. अब हम कैसे वर्क करें, प्रोजेक्ट का टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें, क्योंकि आप बेसिकली क्या करते हैं, क्या आप में से कोई भी यहाँ पे थर्ड ईयर का कैंडिडेट मुझे बताएगा, बताना चाहेगा कि अभी अगर आपने प्रोजेक्ट का टॉपिक कोई सेलेक्ट किया है तो आपने कैसे सेलेक्ट किया है, कुछ भी, जस्ट इट्स जस्ट इंटरेक्टिव सेशन,
तो मुझे आपका भी बारे में फीडबैक पता चलेगा कि आप लोग बेसिकली कैसे कर रहे हैं। अगर आप गलत कर रहे हैं उस मेथड, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मेथड गलत होता है, या अगर कोई मेथड सही है तो मैं बताऊंगा कि यही परफेक्ट मेथड है वर्क करने का। कोई भी कैंडिडेट बताना चाहेगा कि अभी आपने प्रोजेक्ट का टॉपिक सर्च किया, सेलेक्ट हुआ, फाइनल हुआ, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब आपके कॉलेज के प्रोफेसर ने बोला कि प्रोजेक्ट का टॉपिक सेलेक्ट करना है, तो आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करी थी, कहाँ से आप क्या ढूंढा, आपने कैसे ढूंढा टॉपिक, क्या ट्राई किया, क्या एफर्ट दिया आपने, आपने दोस्तों से पूछा, आपने फेसबुक यूज किया, इंस्टा यूज किया, गूगल यूज किया, कहीं जाके बाहर कंसल्टेंसी ली, एक्स वाई जी कुछ भी, क्या आपने किया था, मुझे बताएंगे कुछ। मोस्टली क्या होता है कि जब भी हम ये काम करते हैं, प्रोजेक्ट का टॉपिक हमें देखना होता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं गूगल। आप गूगल पे सर्च करते हो, और आप गूगल पे क्या सर्च करते हो, आप गूगल पे सर्च करोगे कि समथिंग रिलेटेड दिस, कि बेस्ट पॉली प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट फॉर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, आप ये एक्सटीसी को, आप ये एक्सटीसी डाल दोगे। अब इसमें तकलीफ क्या है, तकलीफ कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ सर्च ही कर रहा हूं यहां पे। प्रोजेक्ट फॉर इन पॉलिटेक्निक, तो क्या होता है, हमारे पास में कुछ ऐसी लिस्ट आ जाती है। आप क्या करते हो, ये लिस्ट को पूरी कॉपी करते हो, आपके गाइड को दे देते हो। आपके गाइड इनमें से कोई भी एक रैंडम टॉपिक सेलेक्ट कर लेंगे और आपका काम हो जाएगा। क्या आपने ये चीज नोटिस करी कि अगर इस चीज को मैं यहां पे, अगर इस चीज को मैं कॉपी करता हूं टॉपिक को, मैं यहाँ पे वैलिडेशन कराना बता रहा हूँ कि टॉपिक को कॉपी करता हूँ, गूगल पे डालता हूँ, तो कितने लोग ये टॉपिक बना रखा है, देखो आपने, 1, 2, 3, 2018 का टॉपिक है ये, 2014 का टॉपिक गया, 2014 में बन गया था ये। और ऐसे ही अगर ये, तो सिर्फ फ्रंट पेज, अगर मैं एकदम 10वें पेज पे जाऊंगा तो मुझे शायद ये 2013, देखो 13 तक आ गए हम, है ना, मतलब आप 7 साल पुराना टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो, 7 ईयर्स अगो। और फिर हम बी के बाद में कंप्लेन करते हैं, क्यों, क्योंकि आप में से किसी के बुआ जी, फूफा जी, बड़े भैया ने सजेस्ट किया था कि भैया पॉलिटेक्निक ले लो, उसके बाद इंजीनियरिंग कर लेना, आपकी जॉब लग जाएगी, लाइफ सेट हो जाती है। आपने वो ले लिया एंड आपने टॉपिक बनाया जो 7 साल पुराना है, एंड फिर आप वो बुआ जी के जाके शिकायत करोगे कि बुआ जी आपकी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई, मेरी तो जॉब लगी नहीं, मैं तो इधर उधर घूम रहा हूँ, मैं पुणे जाके आ गया, कहीं खर्चा करके आ गया, पर मेरी जॉब नहीं लग रही, तो उसमें गलती उनकी क्या है, टॉपिक आपने 7 साल पुराना लिया था, मतलब आप आज से 7 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। ये गलती मोस्टली 80% लोग करते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने किया तो आप बहुत यूनिक नहीं हो, हर जने ये गलती करता है। इसी गलती का सॉल्यूशन आज हम देखेंगे कि कैसे हम ये गलती ना करें। हर चीज का एक वैलिडेशन होता है, वैलिडेशन मतलब आप एक्स वाई जी कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, आप लेके आ गए इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम यूजिंग आईओटी, लो पूरी दुनिया कर रही है उस पर काम। अब जब पूरी दुनिया कर रही है उसके ऊपर काम, तो फिर आप उनमें से अलग कैसे रहे। इंजीनियर को आफ्टर द बॉक्स सोचना पड़ता है, इंजीनियर को ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना पड़ता है जो अब तक नहीं निकाला। पावर बैंक, आप सब लोगों ने यूज किया होगा पावर बैंक, कितने साल पुरानी चीज है ये, 10 साल पुरानी चीज है ये, पर हम बचपन से ये चीज देखते हैं कि अगर आप बैटरी कनेक्ट करते हो तो कोई भी चीज चलती है। पावर बैंक क्या करता है, कुछ भी नहीं करता है, एक एक्सटर्नल बैटरी ले रखी है, उसका सर्किट बना रखा है, बस बैटरी से आपका मोबाइल चार्ज होता रहेगा हमेशा। चीज बहुत सिंपल थी, पर किसी ने अपना दिमाग लगाया और उसको इंप्लीमेंट कर दिया, उसने वो इन्वेंट किया नया, है ना। तो कोई भी चीज, अब तक हर चीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने लग गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या होता है, मोटर होती है, और बैटरी से तो मोटर चलती चलती है, उन्होंने बड़ी बैटरी ली, बड़ी मोटर ली, कार चला दी, स्कूटी। तो चीजों को थोड़ा सा अलग देखने का अंदाज बनाओ अपना,
चीजों के अंदर आप गूगल यूज मत करो, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो डोंट यूज गूगल, यूज करो वैलिडेशन के लिए। जो भी आप प्रोजेक्ट का टॉपिक लेते हो वो टॉपिक डालो गूगल पे और ये देखो कि उसकी कितनी एंट्रीज आ रही हैं, क्या वो रिलेटेड टॉपिक्स मिल रहा है, क्या सेम टू सेम टॉपिक मिल रहा है। अगर सेम टू सेम टॉपिक मिल रहा है तो उस टॉपिक का जो भी आपका सिनॉप्सिस है वो कचरे में डाल दो, क्योंकि वो सिनॉप्सिस जो आपने अभी सबमिट किया ना वो आगे जाके आपको जॉब नहीं दे पाएगा। द रीजन, आप पुरानी टेक्नोलॉजी में लेके जा रहे हो। तो ये काम यहाँ पे हमें ऐसे करना पड़ेगा। अब हम फिर ये, चलो प्रॉब्लम तो हमने देख ली कि इस टाइप से हमें दिक्कत हो रही है, पर हम कैसे फिर टॉपिक सेलेक्ट करेंगे? टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है एक बहुत स्पेशल चीज से, एक ऐसा एक क्या बोलते हैं इसको, मैं थिंग बोल सकता हूँ, आई कैन से ऑर्गन, एक ऐसा ऑर्गन होता है हमारे पास में जिसके बेनिफिट से आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस ऑर्गन का नाम होता है ब्रेन। आई थिंक सब में होगा, होना ही चाहिए। अगर आपके पास दिमाग है तो आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो। टॉपिक सेलेक्ट करो रियल टाइम इंफॉर्मेशन, दैट मींस कि अगर मैं ये चाहता हूं, एग्जांपल कोई बोल रहा है कि सर मेरे को तो इरिगेशन सिस्टम पे प्रोजेक्ट बनाना, मेरे घर में खेती है तो मुझे खेती के हिसाब से प्रोजेक्ट बनाना है। आप प्रोजेक्ट बनाओ खेती के हिसाब से, पर अगर आप इरिगेशन का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वो प्रोजेक्ट के अंदर जो मोटर है वो आपके खेत की मोटर होनी चाहिए जो वर्क करनी चाहिए। प्रोजेक्ट के अंदर जो सेंसर है वो आपके खेत की जमीन पे गड़ा हुआ होना चाहिए। एंड जब आप मोबाइल पे बटन दबाते हो, घर पे बैठे बैठे मोबाइल पे बटन दबा रहे हो, तो आपके खेत की मोटर ऑन हो जानी चाहिए। अगर इस टाइप का सिस्टम आप कर सकते हो देन यस, ये टेक्निकल फील्ड आप लोगों के लिए बनी है फिर, एंड आगे जाके आप डेफिनेटली काम कर सकते हो इसके अंदर। टॉपिक हमेशा देखते हैं रियल टाइम, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियल टाइम एंड अ प्रोटोटाइप, ठीक है, अ प्रोटोटाइप, और थर्ड चीज होती है डेमो। देखो, डेमो का मतलब ये होता है कि मुझे एक कार, मतलब मुझे एक है ना कार बनानी है, तो क्या हुआ, मैंने कार नहीं बनाया, मैंने मुझे ना एक्चुअल में फास्ट कार बनानी थी, टेस्ला जैसी कुछ कार बनानी थी, इंजन विंजन सब बनाना था। अब वो मैं कार नहीं बना पा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, चार छोटी छोटी मोटर लगा दिए, छोटी सी बैटरी लगा दिए और बटन लगा के उस कार को चला रहा हूँ, ठीक है। ये जो चीज होती है, ये कार वाला एग्जाम्पल होता है डेमो। क्यों? क्योंकि जब मैं असली कार बनाऊंगा तब मुझे यूज करना पड़ेगा इंजन, तब मुझे यूज करनी पड़ेगी स्टेयरिंग, तब मेरे उसके अंदर कंबशन होना चाहिए, फ्यूल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, जो कि मेरे इस डेमो कार के अंदर था ही नहीं, ठीक है। तो ये वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ लाइफ है। फिर आता है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में ऐसा था कि मुझे बनानी थी एक कार, जो कि मुझे बनाना इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक कार के लिए ऐसा है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं बड़ी सी इलेक्ट्रिक कार बना सकूं। तब मैंने क्या किया, मैंने तब चार छोटी मोटर्स ली, एक रिमोट नहीं है, ठीक है, रिमोट नहीं रहेगा, एक जॉयस्टिक ली छोटी सी, जिस जब मैं जॉयस्टिक को रोटेट करता हूँ, जैसे वीडियो गेम खेलते हैं जॉयस्टिक रोटेट करता हूँ तो कार रोटेट होती है, कार चलती है, फॉरवर्ड लेफ्ट राइट रिवर्स एकदम स्मूथ टर्न मारती है, सब कुछ कार अपने हिसाब से काम करती है, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या होता है, अगर मैं वैसा बना पा रहा हूँ, वो चीज हो गई आपकी प्रोटोटाइप। अब इलेक्ट्रिक कार है तो इलेक्ट्रिक कार चार्ज होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक कार डिस्चार्ज भी होनी चाहिए, चार्जिंग का टाइम मुझे पता चलना चाहिए। इस टाइप की चीज अगर मैं यूज कर रहा हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, इस टाइप का सिस्टम अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो वो कहला जाएगा प्रोटोटाइप के अंदर। एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको, आपको बनाना है व्हीकल सेफ्टी सिस्टम, ठीक है। मतलब ऐसा है कि आपकी जो बाइक है वो कभी चोरी नहीं होनी चाहिए, चोरी कब होती है जब कोई उस पर डुप्लीकेट चाबी लगा देगा। हमें लगाना है फिंगरप्रिंट सेंसर उस पर, आप फिंगरप्रिंट सेंसर लगाओ, गाड़ी आपकी फिंगर थंब जैसे मोबाइल का थंब से स्टार्ट होता है वैसे ही फिंगरप्रिंट से आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी, गाड़ी चलने लग जाएगी। किसी दिन अगर फिंगरप्रिंट नहीं लग पा, आपके हाथ बहुत गंदे हैं, हाथ पे लग गया, तब गाड़ी चाबी से स्टार्ट होगी, ठीक है। बट अगर आप ऐसा सिस्टम बना रहे हो तो आपकी गाड़ी में एक्चुअल में सिस्टम में क्या चीज लगी होनी चाहिए, गाड़ी जब स्टार्ट होती तो एक रिले ऑन होना चाहिए, है ना। अगर आप उसमें की यूज कर रहे हो तो की यूज करने के लिए आपको
एक्चुअल जो अपने बाइक का की होता है वैसा की और उसका पूरा सेटअप लाके दिखाना पड़ेगा कि ये सेटअप है सर, हमारे पास इतने पैसे नहीं, हम बाइक खरीदे इस वजह से हमने प्रोटोटाइप दिखाया, पर देखिए बाइक में जैसी की लगती है वैसे इधर भी की लगती है और की लगने पे ही हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है। तो उन चीजों को बोलते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप का मतलब हमेशा ये होता है स्केल करना किसी भी चीज को, कि एग्जैक्ट वर्किंग, वर्किंग हमेशा एग्जैक्ट रहेगी आपके प्रोजेक्ट की, ठीक है, फंक्शनलिटी एग्जैक्ट रहेगी, कंपोनेंट एकदम एग्जैक्ट रहेंगे, पर बस मनी के अभाव की वजह से, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ मनी, हमने बाइक ना खरीद के एक छोटे मोटर पे डेमो दिया है, पर वर्किंग यही है। आप मुझे बाइक लाके दो, मेरा ये का यही बना हुआ सिस्टम आप बाइक के ऊपर लगा दो, वो एग्जैक्टली काम करेगा, उसमें फिर मैं सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करूंगा, बाइक लाओ वो काम करने लग जाएगा, ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट्स, ठीक है। देन आते हैं आपके रियल टाइम प्रोजेक्ट। रियल टाइम प्रोजेक्ट होती है बेसिकली इंस्पायर्ड होते हैं हम रियल लाइफ से। कोई भी एक प्रॉब्लम जैसे आप लोग उसको फेस कर, आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम, या रेगुलर हम लोग उसको फेस कर रहे हैं, रेगुलर डेली ये प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, आप उसका प्रोजेक्ट बनाओ, ओके, नो मैटर वॉट कि क्या प्रॉब्लम है वो, कुछ भी, आप जाते हो आपके घर में बिजली हर बार वेस्ट होती है, आप जब रूम की लाइटें पंखा ऑन करके चले जाते हो मम्मी आपको डांटती है बार बार, तो उसका सोल्यूशन क्या है, रूम में ऐसा सेंसर लगा दो कि जब आप बैठोगे तब लाइटें चलेंगी, जब आप उठ जाओगे तो लाइटें बंद हो जाएगी, ठीक है, दैट्स कॉल्ड अ PIR सेंसर। PIR सेंसर होता है एक, जो आप रूम में लगा दो, लाइटें जब आप चलेगी तब आप होंगे, आप जैसे उठ के जाओगे लाइटें बंद हो जाएंगी, इस टाइप से कुछ करिए, है ना, वो एक रियल टाइम प्रॉब्लम का हमने एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाला है। आपका जो फ्रिज रहता है, फ्रिज क्या करता है, कंटिन्यूअसली ठंडा करता रहता है और कंटिन्यूअसली बिजली खाता रहता है, अब भले आपने दूध का एक पॉकेट रखा है उसके अंदर तो भी वो उतनी बिजली खा रहा है, और आपने पूरा फ्रिज भर के रखा तब भी वो उतनी बिजली खा रहा है, तो कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जब आपका दूध का एक पॉकेट है तो वो बिजली कम खाएगा, है ना, और जब बहुत सारा अपना पूरा फ्रिज भर के रखा हुआ है तब बिजली वो ज्यादा खाएगा, या जितने भी उसको खानी उतनी। तो सिस्टम के अंदर एक कुछ जो भी आपके रियल टाइम की प्रॉब्लम्स होती है उनका आपको सॉल्यूशन निकालना चाहिए, अगर आप उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हो तो डेफिनेटली आप रियल टाइम प्रोजेक्ट बना रहे हो अभी, ओके। तो यहां तक अपना एक सेशन था छोटा सा, अब मुझे बताइए इसमें किसी को अब तक कोई डाउट है, किसी का कुछ क्वेश्चन है, फ्रेंकली पूछ सकते, ये सेशन आई डोंट थिंक सो कि नेक्स्ट टाइम कभी कंडक्ट होगा क्योंकि मोस्टली काफी बिजी शेड्यूल रहता है सबसे का सबका, तो अगर किसी का कोई डाउट है तो प्लीज बताइए मुझे, अपन उसको हाथों हाथ यही सॉल्व कर देंगे, किसी का कुछ भी डाउट है। ओके अगर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो जस्ट अनम्यूट करिएगा और मुझे पूछिएगा जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा मैं आपको डेमो दिखाऊंगा व्हाट अबाउट रियल टाइम प्रोजेक्ट वगैरह के बारे में। आपने रोबोटिक्स का नाम तो सुना होगा, है ना, जब भी हम रोबोटिक्स की बात करते हैं तो मन में क्या चीज आती है, हमारे मन में आता है कि चिट्टी रोबोट आएगा, जब भी मैंने रोबोट बोला आपके मन में आएगा चिट्टी रोबोट है भैया ये तो, है ना, चिट्टी रोबोट ह्यूमनॉइड रोबोट होता है, हम सिर्फ उसी की बात नहीं करते हमेशा, हमें सबकी बात करनी पड़ती है, दैट मीन्स अगर मैं कोई रोबोट बनाता हूं तो ये एक रोबोट है, बिल्कुल चिट्टी रोबोट नहीं है, बट ये पूरा रोबोट को कहा जाता है वर्चुअल टेली प्रेजेंस रोबोट, ठीक है, क्या काम करता है ये काम करता है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जो डिसेबल है, मतलब ये हमने एक रियल टाइम इंप्लीमेंट किया था, क्या होता है कि हमारे सामने हमारे पास एक क्लाइंट आए थे जिन्होंने बोला कि उनका बेटा 12 साल तक तो स्कूल जाता था एंड सडनली उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी जो अपना ये होता है अपना स्पाइनल कॉर्ड होता है वो थोड़ा सा ब्रेक हो गया, तो वो 1 साल तक स्कूल नहीं जाएगा, एंड अब अगर 1 साल तक स्कूल नहीं जा रहा तो उसकी पढ़ाई का तो नुकसान होगा, इसके दोस्त लोग हैं वो उनको मिस करता है, क्या किया जाए सर आप बताइए, क्या बना के दे सकता हूँ। हमने उनको VTR बना के दिया, वर्चुअल टेली प्रेजेंस रोबोट, क्या काम करता है ये, यहाँ पे टैबलेट दिख रहा है आपको, आई थिंक स्क्रीन शो हो रही है, क्या स्क्रीन विजिबल है आपको, ओके, ये टैबलेट दिख रहा है, सैमसंग का टैबलेट यूज किया हमने इसमें, और इसको कनेक्ट किया है हमने एक मोबाइल ऐप से, ठीक है, स्काइप से, जब मैं कॉल करता हूँ स्काइप से ये टैबलेट के ऊपर डायरेक्टली वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाता है,
मेरा फेस इस टैबलेट पे दिखने लगे, मैं इसकी वीडियो दिखाऊंगा आपको, मेरा फेस इसके ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये रोबोट जो देख रहा है वो मुझे मेरे मोबाइल पे दिखेगा। रोबोट देखने के लिए हमने यहाँ पे कैमरा फिट किया है, तो अल्टीमेटली हम दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। मोबाइल में आपके स्पीकर होता है, माइक होता है, हमने रोबोट पे भी स्पीकर और माइक लगा रखा है, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो रोबोट में से आवाज निकलेगी और जो आप लोग रोबोट से बात करोगे वो मुझे सुनाई देगा मेरे मोबाइल के अंदर, ठीक है। अब बात आती है कि चलेगा कैसे, तो बहुत सिंपल सी चीज हमने यूज करी, जैसे हम वीडियो गेम यूज करते हैं, वीडियो गेम हम लोग चलाते हैं, वैसे ही हमने इसके अंदर मोटर्स लगा रखी है, पीएमडीसी मोटर्स, है ना, पीएमडीसी मोटर यूज करी हमने, और उसके साथ में फ्री व्हील यूज करके हमने पूरा माइक्रो कंट्रोल के ऊपर सेटअप बिठाया। अब इससे क्या होता है, जैसे जैसे मोबाइल में जो स्टिक चलाऊंगा वो रोबोट उधर चलता रहेगा, जो हमें बात करनी वो बात करता रहेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, पूरे एक साल तक वो जो बच्चा था वो स्कूल गया है, उसने हर सेशन अटेंड किया है, उसने अपने दोस्तों से बातें करी है इस रोबोट के बेनिफिट के ऊपर, ठीक है। ये इस रोबोट का डिसएडवांटेज था सिर्फ कि वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता था, पर उसका हमने सॉल्यूशन क्या निकाला, ठीक है। यही बात मैं आपको बोल रहा था कि रियल टाइम प्रोजेक्ट और डेमो में एक डिफरेंस होता है। रियल टाइम के अंदर हर चीज का सॉल्यूशन होना चाहिए, हर चीज को आपको बारीकी से देखनी पड़ती है। डेमो का मतलब कोई भी आप बोल दो भैया वीडियो कॉलिंग पे हम प्रोजेक्ट बना, वीडियो कॉलिंग पे हम सेशन ले रहे हैं, वो डेमो चीज होती है, ठीक है। क्या होगा काम यहाँ पे, रोबोट का सिर्फ एक डिसएडवांटेज था कि ये सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता था, ये अपने दोस्तों के साथ स्कूल के गेट से लेके अंदर पोर्च तक आ सकता है, पर वो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता लॉन की। क्या किसी का इसका सॉल्यूशन है, मैं देखना चाहता हूँ कि अभी का जो जनरेशन है टेक्निकल, उसमें क्या आउट ऑफ द बॉक्स आप सोच सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल वापस बता, सिचुएशन आपको वापस बता रहा हूँ, चार दोस्त है और ये रोबोट पांचवा इंसान है, मतलब दोस्त मतलब जो घर पे बैठा हुआ है, वो घर से इसको ऑपरेट कर रहा है। चारों दोस्त स्कूल के मेन गेट से लेके स्कूल के अंदर जो अपना बिल्डिंग होती वहां तक तो आ जाते हैं, ये रोबोट चलते हुए आ जाता है, वो लोग वो उसको जॉयस्टिक से ड्राइव कर सकता है, इसीलिए बात भी करता है ये पूरा, पर सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता ये, तो ये अब स्कूल में एंट्री कैसे करेगा, किसी के पास भी इसका सॉल्यूशन है, कम ऑन शो मी योर स्किल्स, कुछ तो भी आप गलत बोले नो इश्यू, पर जस्ट गिव अ ट्राई। कोई भी बहुत 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 बेसिक चीज है, मैं बोली ना इसका आंसर टेक्निकल है, इसका आंसर बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है, इसमें हमने टेक्निकल थिंग यूज ही नहीं करी थी, ये बहुत कॉमन सेंस यूज किया था हमने इसमें। सो उसके फ्रेंड्स उसको ऊपर रख सकते हैं। एग्जैक्टली कौन थे ये होशियार, मुझे नाम बताइए, एकदम करेक्ट आंसर है, इसलिए मैं नाम जानना चाहता हूँ आपका। अभिषेक गायकवाड, बहुत बहुत बढ़िया अभिषेक, एग्जैक्टली यही चीज हमने की थी। इस रोबोट का वेट मात्र कितना था, 2.2 kg, और एक छोटा बच्चा भी 2 kg इजीली उठा सकता है। आपको सिर्फ इस रोबोट, इसलिए इसका शेप ऐसा लगा रखा है डंडे जैसा, कि आप सिर्फ इसको डंडे की तरह पकड़ो और सीढ़ियां उठा के रख दो, ये आगे चलता रहेगा। तो हर चीज का ये हमारा रियल टाइम सॉल्यूशन था, ठीक है। तो ये थोड़ा मशीन लर्निंग के ऊपर बना हुआ प्रोजेक्ट, सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ इसके बारे में। क्या होता है, ये प्रोजेक्ट हमने बनाया था स्पेशली मुंबई के लिए बनाया था हमने ये। मुंबई का क्या ट्रैफिक बहुत रहता है, कोई भी अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको रेगुलर यहाँ जाना पड़ता है, क्या बोलते हैं अपने, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, डायग्नोसिस कराना चलता पड़ता है, तो वो परेशान होते हैं वो लोग कई बार। पर ये चीज हमने इम्प्लीमेंट करवाई कहाँ पे, जम्मू के अंदर, जम्मू जम्मू में सांभा करके एक जगह है जहाँ के होटल्स के लिए हम लोगों ने ये चीज इम्प्लीमेंट करी थी। वहाँ पे कैसे कि अगर मान लीजिए कभी कोई फैमिली ऐसी आ रही जो प्रेग्नेंट है, लेडी प्रेग्नेंट है, या मतलब उनका 9th month का पीरियड चल रहा है, उसके बीच में अगर कभी भी उसको कोई भी तकलीफ थी, या कोई सिटीजन भी है वहाँ पे जिसको कोई तकलीफ होती है, तो उनको 1.5 घंटे के ट्रैवल करके नीचे सिटी एरिया में आना पड़ता था, फिर सिटी एरिया में उनको ये दिखाना पड़ता जो भी उनका चेकअप करना होता था। तो कई बार तो ये 1.5 घंटे का रेगुलर ट्रैवलिंग जो होता है बहुत हैक्टिक हो जाता है कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल्स के लिए, और वो भी प्रेगनेंसी सिचुएशन में। इस रोबोट का काम क्या था कि ये आपका फेटल रेट चेक करता है। आप इस रोबोट के पास में जाइए, एक सोनोग्राफी, जैसे सोनोग्राफी होती है हमारी, वैसे इसका सोनोग्राफी ट्रांसपोंडर होता है, वो ट्रांसपोंडर आप अपने पेट पे रखिए और वो आपको एकदम रियल टाइम पे बता देगा कि बेबी की कंडीशन क्या चल रही है, आपकी हार्ट बीट कैसी है उस मंथ के हिसाब से, बेबी की कंडीशन क्या है, इज एवरीथिंग ओके, तो वो रिपोर्ट जो है वो आपके डॉक्टर को मेल कर देगा
और अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड होता है तो ये रोबोट आपकी एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर देगा, आपसे पूछ के कब फिक्स करनी है। आप बोलोगे मैं परसों जाऊंगी या कल जाऊंगी, तो वो हाथों हाथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर देगा डॉक्टर के पास में, और आपकी जो भी रिपोर्ट है वो डॉक्टर को भेज देगा। तो उससे क्या होता है, वो जो 1.5 घंटे का टाइम था वो आपका हमेशा बच जाएगा, आपको एक पैनिक सिचुएशन कभी भी बेयर नहीं करनी पड़ेगी। तो इस टाइप से चीजें बनती है रियल टाइम, ठीक है। इसमें हमने एक टेक्नोलॉजी यूज करी थी, ये हमारा पेटेंट है। आपने सबको किसी को भी पानी का फॉर्मूला पता है क्या? पानी का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल नेम क्या होता है? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। That means वहाँ पे हाइड्रोजन है और O का मतलब ऑक्सीजन भी है। हमने एक टेक्नोलॉजी डिस्कवर करी थी जिससे आप पानी से, इसके अंदर 1 लीटर पानी आता है, 1 लीटर पानी से आप 20 मिनट तक ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हो। तो अगर कभी आपका ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है घर में, आप नॉर्मल टैप वाटर डालो, मिनरल वाटर नहीं काम करता है, नॉर्मल नल का पानी, फिल्टर हुआ कैसे, बस नल का पानी लो, इसमें डालो, सिस्टम चलाओ, ये विदिन 20 सेकेंड इस पर्टिकुलर वाइब्रेशन के ऊपर पानी को वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से पानी में से ऑक्सीजन निकलता है बाहर। और यहाँ पे पंप लगा रहता है, वो पंप को इनहेलर जैसा होता है, आप उसको बस मास्क पे लगा लीजिए, आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। और वो ऑक्सीजन तो वो 80% प्योर होती है। तो ये ऐसा है कि जब तक आप एम्बुलेंस आएगी, हॉस्पिटल आप जाओगे, एम्बुलेंस के अंदर तो ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा, पर जब तक वो आएगी तब तक क्या करोगे? तब तक तो इंसान भगवान के पास चला जाएगा। इसीलिए आप तब कुछ ना होने से अच्छा आप 80% प्योर ऑक्सीजन लो, एटलीस्ट आपकी तब तक सांसें चलती रहेंगी। तो इस टाइप की चीज हमने यहाँ पे डिस्कवर करी थी। अब जो मैंने आपको VTR बताया था उसका मैं आपको बताता हूँ कैसे वो देखो वर्क करता है। ओके इस टाइप से काम करता है, ठीक है। अब बात आती है रोबोटिक्स की, कि हम जब किसी भी रोबोटिक्स के ऊपर काम करने की बात करते, तो उससे पहले मैं छोटा सा एक चीज दिखाऊंगा। एक हमने ना एक ये सफाई के ऊपर अभी काफी चल रहा है, सफाई अभियान वगैरह ये भी चल रहा है, और आप लोग ना क्लीनिंग सिस्टम बनाते हैं। क्लीनिंग सिस्टम के लिए मैंने एक रोबोट डेवलप किया था। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि रोबोट तो हमने बनाया, पर रियल टाइम प्रोजेक्ट क्या होता है कि जब ये रोबोट अपने घर में चल रहा होगा तो घर में कुर्सी कभी आ जाएगी, कभी स्टूल आ जाएगा, टेबल आ जाएगी, दीवार आ जाएगी, तो रोबोट उसे कोलाइड नहीं होना चाहिए। तो इसका सेंसर इतना सेंसिटिव है कि अगर एक छोटा बच्चा भी जमीन पे सो रहा है या बैठा है, ये रोबोट उससे टच नहीं होगा, उसको दूर से ही देख के निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें रोबोटिक्स के अंदर आती है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आप कभी रोबोटिक्स बोलोगे तो आप मन में ये नहीं बोलोगे रोबोटिक्स मतलब क्या, चिट्टी रोबोट, नहीं, रोबोटिक्स मतलब हर वो चीज जो है ना। तो ये कुछ मैंने आपको एक डेमो बताया था जो हमारे पिछले 5 साल की मेहनत थी। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक कि हम प्रोजेक्ट का टाइटल कैसे सेलेक्ट करेंगे और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या काम करेंगे।
तो सबसे पहले जब भी आप टाइटल सेलेक्ट करते हो तो आपके पास में प्रॉब्लम होनी चाहिए तो ही काम करो, अदरवाइज काम मत करो। प्रॉब्लम मतलब कुछ भी, कि ये एक प्रॉब्लम है, उसके लिए हम क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। प्रॉब्लम के आपके पास में कॉज होने चाहिए कि ये होती क्यों है, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन क्या है, वो प्रॉब्लम जब ये दोनों ही आपके पास आते हैं तब आप सेलेक्ट कर सकते हो आपका माइक्रो कंट्रोलर। आप सेलेक्ट कीजिए तब माइक्रो कंट्रोलर, और जो आपने सॉल्यूशन बताए थे उन सॉल्यूशन के रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ सेंसर मिल जाएंगे, सेंसर और आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस कैसे हो गया, जैसे मैंने बताया रोबोट को चलाना था तो आउटपुट डिवाइस क्या हुआ हमारा, मोटर, हमने मोटर कनेक्ट करी। और ये बहुत सिंपल सर्किट है इसका मतलब, ये तो मैं यहाँ पे जो इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन कोर्सेज लेता हूँ उसके अंदर मैं बच्चों को सिखाता हूँ कि मोटर L293D से कैसे चलाया जाता है, मोटर ड्राइवर से मोटर चला वो चलने लग जाती है। तो हम बहुत वही सर्किट हमने यूज किया यहाँ पे, तो मोटर लगाई L293D लगाया वो सिस्टम उसके साथ चलने लग गया। अब बता दी सेंसर कैसे लगाओगे, तो माइक एक सेंसर है, वो जो घर पे बैठा हुआ लड़का था उसको बात करनी थी तो माइक सेंसर था वहां पे, उसको स्पीकर था तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस हो गया, तो कैमरा सेंसर हो गया, है ना। अब जो मैंने आपको अभी वो झाड़ू लगाने वाला रोबोट दिखाया उसके अंदर हमने IR सेंसर यूज किया है। IR सेंसर क्या काम कर रहा है, कोई भी कैंडिडेट आएगा या दीवार आएगी तो उसको देख के वो रिफ्लेक्ट मार जाएगा, बराबर है। पर IR सेंसर की क्वालिटी कौन सी यूज करनी है वो हमें आना चाहिए, कि हमने उसमें IR सेंसर यूज किया है प्रॉक्सिमिटी वाला, तो इसकी वजह से वो रोबोट धूप में कोई बच्चे के पाँव को भी डिटेक्ट कर सकता है, कांच को भी डिटेक्ट कर सकता है, हर चीज को वो डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। और बेस बनता है बाद में माइक्रो कंट्रोलर कौन सा यूज करेंगे, तो माइक्रो कंट्रोलर तो बहुत डिफरेंट टॉपिक हो जाता है, इट्स अ वेरी वास्ट थिंग, तो कभी जरूरत पड़े तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। सेकेंड बात आती है यहाँ पे प्रॉब्लम, ये तो हुआ आपका टॉपिक का सोल्यूशन कि टॉपिक हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, अब बात आती है कि हम डॉक्यूमेंट कैसे बनाएंगे। तो देखिए डॉक्यूमेंट का एक प्रोसेस होता है, आपने कई बार देखो अगर आपने किसी ने भी टॉपिक सेलेक्ट करवाया अभी तक, गाइड को टॉपिक दिया है डॉक्यूमेंट दिया है तो उन्होंने कई लोगों को झापा होगा कि क्या आप डॉक्यूमेंट ला के दे दिया, मजा नहीं कुछ भी बना के दे रहे हो तुम मुझे, कैसा भी कर रहे हो, है ना। तो वो देखिए कैसे की जाती चीजें, टॉपिक सेलेक्ट होने के बाद में सबसे पहले चीज बनती है सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस के बाद बनता है PPT, PPT के बनता है थीसिस या जिसका लोग रिपोर्ट बोलते हो। इंपॉर्टेंट सिर्फ सिनॉप्सिस है यहाँ पे हमारे लिए राइट नाउ। सिनॉप्सिस के अंदर आपको इंट्रोडक्शन डालना होगा, इंट्रोडक्शन में आप क्या डालेंगे, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो मैं बात बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन में आपको डालना चाहिए वो प्रॉब्लम जो आपने ऊपर डिस्कस करी, उस प्रॉब्लम का कोज और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, ये तीन चीजें आपको डालनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, पी प्रॉब्लम कोज और सॉल्यूशन, ये तीनों ही चीजें आप डालेंगे। उसके बाद में आप डाल, अब मैं आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना बताऊंगा कि ब्लॉक डायग्राम कोई भी प्रोजेक्ट का कैसे बनाते हैं। देखिए ब्लॉक डायग्राम में हमेशा तीन चीजें रहती है, बीच में रहता है CPU जिसको हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर, जो भी प्रोजेक्ट का माइक्रो कंट्रोलर वो हमेशा बीच में रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा इनपुट लगते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और हर इंडस्ट्री इसी फॉर्मेट के अंदर अपना प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। तो जब हम पेटेंट फाइल कराते कोई भी चीज का तो उसमें यही फॉर्मेट के अंदर आपको अपना टॉपिक देना पड़ता है। इनपुट हमेशा राइट हैंड साइड रहेगा और आउटपुट हमेशा इनपुट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, आउटपुट हमेशा राइट हैंड साइड रहेगा, ठीक है। तो देखो फ्लो कितना सिंपल बन गया इसकी वजह से, बटन दबाया इनपुट एक बटन था, बटन दबाया माइक्रो कंट्रोलर ने उसको प्रोसेस किया और आउटपुट में LED जला दी, बहुत सिंपल है, ठीक है। इनपुट सेंसर वेंसर सब कनेक्ट होंगे इनपुट की साइड लेफ्ट हैंड साइड, माइक्रो कंट्रोलर कौन सा यूज करो वो कनेक्ट होगा बीच में और आउटपुट में इधर चला जाएगा। अगर आपने कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस यूज करी है जैसे कि GSM GPS ऐसा कुछ भी, तो उस पर आप ये वाला सिंबल बनाओगे, ये होता है थंडर का बिजली जैसा सिंबल होता है, ये इंडिकेट करता है कम्युनिकेशन, और यहां पे आप लिख दोगे GSM, ठीक है, या GPS या RFID जो भी आपका कम्युनिकेशन डिवाइस है। आपके सिस्टम में कितनी पावर सप्लाई चल रही है ये आपको बतानी पड़ेगी इधर लिख के, पावर सप्लाई हमेशा ऊपर लिखी जाती है, कैसे लिखोगे, 5 वोल्ट
2 एम्पियर स्लैश 12 वोल्ट 2 एम्पियर, दो पावर सप्लाई आपने यूज करी है ऐसे लेके, पावर सप्लाई हमेशा ऊपर जाती है। तो ये सिस्टम आपका ब्लॉक डायग्राम बनाने का रहता है। आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर आपने इनपुट लिए, जैसे आपने सेंसर लिए जो भी वो इधर लिखिए, 3 4 5 जो भी है, जितने सेंसर होंगे उतने डब्बे बनेंगे, ठीक है, जितने आउटपुट डिवाइस होंगे उतने डब्बे बनेंगे। अब एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे मैंने जो आपको वर्चुअल टेलीप्रेजेंस रोबोट बताया उसके अंदर क्या था हमारा, उसका हम ब्लॉक डायग्राम बना के देखते हैं एक छोटा सा। इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज किया था, यहाँ पे मैंने यूज किया था माइक, फिर मैंने यूज किया कैमरा, ठीक है। और अब क्या होता है, सिंपल सी बात है यार, कोई आप लोगों की आंखें भी तो होती है, आप अगर चल रहे हो चलते चलते किसी ने आप कोई सामने दीवार आ रही है तो आप देख के मुड़ोगे भी तो सही, या नीचे कोई पत्थर लगा हुआ है तो पत्थर को आप क्रॉस करके निकल जाओगे। तो यहाँ पे हमने यूज किए हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर ये क्या काम करते थे, ऑब्स्टिकल डिटेक्शन का, कोई भी ऑब्स्टिकल अगर आएगा तो वो उसको देखेगा और वहां से साइड होकर निकल जाएगा। ये आपने माइक्रोकंट्रोलर यूज किया, तो क्योंकि वो रोबोट हमारा पेटेंट था तो इस लेवल के ऊपर मैं आपको माइक्रोकंट्रोलर ये सब डिटेल नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो मान लीजिए वो माइक्रोकंट्रोलर था एक्स हमारा, और जो हमारा सीपीयू था वो उसको प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करके किसको दे रहा है, मोटर ड्राइवर को। अब देखिए मोटर ड्राइवर मोटर कितनी बार चलाता है, आप लोगों ने देखी थी 2 मोटर थी उसमें, तो 2 मोटर चलाई उसमें, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ये काम कर गया। अब उसमें स्पीकर भी देखा था आप लोगों ने, तो यहां पे एक स्पीकर भी जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा ब्लॉक डायग्राम बनता है, एंड ये एकदम परफेक्ट ब्लॉक डायग्राम है जिसमें क्या करता है ये। अब क्या था वो पूरा, मैंने आपको बताया था कि हम गुड़गांव में चला रहे थे इसको, डेमो के लिए लेके गया था, मैं गुड़गांव में चला रहा था और अमरावती से ऑपरेट कर रहा था उसको। तो क्या होता है कि एक थंडर का साइन बनता है ऐसा, और उसके ऊपर मैं लिखता हूं आईओटी, इंटरनेट से पूरा वो सिस्टम चलता था, ठीक है। तो ऐसा आप लोग हमेशा एक ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद में आपको जो लिखना है डिस्क्रिप्शन वो होता है एक्सपेक्टेड वर्किंग, ये क्या चीज होती है, क्योंकि अभी अभी के कंडीशन में तो आपने प्रोजेक्ट बनाया नहीं है, तो फिर आप एक्सपेक्टेड वर्किंग कैसे लिख सकते हो, है ना। प्रोजेक्ट की वर्किंग नहीं लिख सकते हो आप, एक्सपेक्टेड वर्किंग लिख सकते हो कि प्रोजेक्ट, मैं चाहता हूं कि मेरा प्रोजेक्ट ऐसा समहाउ वर्क करेगा, है ना, कुछ भी एक्स वाई जेड, मेरा प्रोजेक्ट ऐसा वर्क करेगा कि मैं कैमरे को देख के बोलूंगा, जॉयस्टिक को जैसे ही मूव करूंगा स्क्रीन के ऊपर, मेरा रोबोट भी चेंज होता रहेगा अपना डायरेक्शन, और वो उधर आवाज वगैरह आती रहेगी, हम दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट करते रहेंगे। ये हमारा एक्सपेक्टेड वर्किंग है, ये चीज हम अपनी ओन लैंग्वेज में लिखेंगे, और उसके बाद जब मेरा प्रोजेक्ट बन जाएगा कंप्लीट, तो एक्सपेक्टेड वर्किंग में कुछ छोटे मोटे चेंजेस हमेशा 19-20 का फर्क पड़ता ही पड़ता है, वो आप लिखोगे वर्किंग, कि हम चाहते तो ऐसा थे पर हमने उसमें कुछ और नया सोचा और हमने ये भी इंप्लीमेंट कर दिया, या हम चाहते तो ऐसा बनाना था पर वो मैं बना नहीं सकता क्योंकि उसका टेक्निकल रीजन मुझे बाद में पता पड़ा जो कि ये है XYZ, और वो करके आप लिखोगे वर्किंग के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद की बहुत छोटी छोटी चीज आती है जो आई थिंक समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एडवांटेज क्या होते हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या क्या होती है, फ्यूचर स्कोप हम उसको कहाँ यूज कर सकते हैं, तो ऐसा ही पूरा वर्क करता है ये। नेक्स्ट आता है आपका पीपीटी। अब पीपीटी वो चीज होगी जहां पे फील्ड गाइड आपको झापेंगे, ठीक है, क्यों कि क्या पीपीटी लेके आ गए तो लोग पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड पीपीटी लेके आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीपीटी में हमेशा फोटोज होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने आई थिंक ये लॉकडाउन के अंदर काफी सेमिनार अटेंड किए होंगे, काफी फ्री वर्कशॉप वगैरह बहुत नरी चलती थी, बहुत बहुत सारी गई यहाँ पे। पीपीटी से एक्सप्लेनेशन करने में कभी भी समझ में आता है, मेरा पर्सनल मैं आपको बता रहा हूँ कि आई हेट पीपीटी, मुझे पीपीटी पसंद ही नहीं आती कभी भी। मेरे से कि जो भी चीज सीखनी है तो टेक्निकल चीज हमेशा बोल के सिखाई जाती है, लिख के सिखाई जाती है, या
करवा के सीखा, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से सिखाई जाती है। पीपीटी के ऊपर कभी आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते हो, पीपीटी के ऊपर आप कभी भी सर्किट डायग्राम कंपोनेंट का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, आपको वो जब तक कंपोनेंट हाथ में नहीं लोगे, प्रोग्रामिंग खुद से नहीं करोगे, तब तक आपको सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पीपीटी में क्या डाली जाती है हमेशा, फोटोज, फिर उसके बाद में उसमें पॉइंट्स बनाओगे आप। ठीक है, हर फोटो के ऊपर आप 2 या 3 पॉइंट लिखो, दैट्स सफिशिएंट। अगर आप इस टाइप की पीपीटी बनाते हो, 100% लिख के देने को अभी मैं गारंटी है मेरी कि आपको नंबर दिलवाने से कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता उसमें, आपको नंबर देना ही पड़ेगा गाइड को एनी हाउ। क्यों? क्योंकि आपने अगर एक फोटो डाली है और उसके लिए सिर्फ 3 पॉइंट दिखे, तो अब आपको बोलना पड़ेगा। जब आप बोलोगे तो आपके मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि गाइड को लगता है कि यार एक्सप्लेन कर रहा है। बट यही बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे फोटो नहीं डालते, बच्चा पूरा जो स्लाइड होती है उसके अंदर थ्योरी 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 भर देता है वो कॉपी पेस्ट, और फिर वो उसको पढ़ पढ़ के बोलता है। वो देख के समझ में आ जाती है क्या पढ़ पढ़ के बोल रहे हो, बात खत्म हो जाती, वही नंबर कट जाते आपके। तो इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं आपको, आप स्लाइड बनाओ, स्लाइड के ऊपर एक फोटो डालो, रिलेटेड फोटो जो भी है, उसके ऊपर आप 2 या 3 पॉइंट रखो, 4 पॉइंट लिख दिए जैसे मैंने। अब क्या करो, पेपर के ऊपर स्क्रिप्ट लिखो पूरी, और स्क्रिप्ट कैसे लिखो, ए टू जेड, जैसी आपको बोलनी वैसी वैसी स्क्रिप्ट लिख दो, ए टू जेड कंप्लीट। अब जब आप गाइड को बता दो तो आप वो स्क्रिप्ट पढ़ो लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप पीपीटी मत पढ़ो। ठीक है, जहां आप भूल जाते हो वहां पे स्क्रिप्ट पे देखो और वापस से बोलने लगे। जैसे मूवीज चलती, तो मूवीज वाले क्या करते, इम्प्रोवाइजेशन करते ना खुद का, कहीं डायलॉग भूल जाते तो अपनी जगह से एक दो लाइन डाल के, कपिल शर्मा का शो देखना कितनी बार बोलते हैं हम इम्प्रोवाइजेशन करते, स्क्रिप्ट हम कई बार फॉलो नहीं करते, वैसा ही काम हमें भी यहाँ पे करना पड़ता है। ठीक है, बाकी इसके बाद में आता है आपका थेसिस रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, रिपोर्ट में कॉलेज आपको हमेशा एक फॉर्मेट प्रोवाइड कराएगा कि मुझे हमें ये 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 पॉइंट्स चाहिए, बस वही पॉइंट्स आपको आपके थीसिस के अंदर डालने हैं। ठीक है, अब मेरी आपसे क्या हम्बल रिक्वेस्ट है, वो ये है कि जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओ उसके बारे में आपको क्या क्या सीखना, ये चीज आप नोट डाउन करके रखना। ठीक है, कंफर्म लिख ही लो अभी, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना लिखने के बाद, नहीं तो रिकॉर्ड कर लो इसको। कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे या आप किसी बाहर से कंसल्टेंसी लेते हो, कोई दोस्त से बनवाते हो कंसल्टेंसी, मतलब जैसे हम प्रोजेक्ट बना के स्टूडेंट्स को देते हैं, तो डॉक्स प्रो के अंदर जो फर्म है हमारी डॉक्स प्रो रोबोटिक्स, कभी भी आपने शायद कई लोगों ने विजिट भी किया होगा, और जिन्होंने नहीं कभी विजिट किया है, कभी भी आप यहाँ पे आएंगे आप रूल बुक देखिएगा। पहला रूल ये है कि वी डोंट सेल रेडीमेड प्रोजेक्ट। ठीक है, रेडीमेड प्रोजेक्ट, तुम्हें अगर प्रोजेक्ट बनवाना है तो तुम्हें यहाँ बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्या यहाँ पे कोई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से है क्या, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का कोई भी यहाँ पे कैंडिडेट है क्या? अगर कोई है तो ऐसा हाँ करके बोलेगा मुझे प्लीज। यस सर। चलो ठीक है, ओके। तो स्नेहा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से, आप अपने किसी भी रैंडम सीनियर को कॉल करना, उसको बोलना कि तुमने प्रोजेक्ट का डाला था तेविल से, कि हमने डॉक्टर में प्रोजेक्ट डाला था, उनको बोलना कि सर ने तुमको कभी झापा गया, मेरा यहाँ पे पॉलिसी है, मेरा मतलब कंपनी का पॉलिसी है कि वी डोंट सेल रेडीमेड प्रोजेक्ट। अगर आप यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जो है कि हम आपको कुछ 9, 10, 11, 12 हज़ार रुपये दे देंगे, हम एंड में एंड ऑफ द ईयर आएंगे, आप हम आपको पूरा पैसा पे करेंगे, आप हमें पूरा प्रोजेक्ट ऐसे बना बनाया डब्बे में डाल के दे देना और हमें सिर्फ वर्किंग बता देना, तो मैं उसको प्रोजेक्ट देता ही नहीं हूँ। मतलब मैं क्रूड लैंग्वेज में बात को बोलता हूँ कि भैया पैसे तो तुमने दे दिए और अब मैं प्रोजेक्ट दे ही नहीं रहा, जो करना है करो, प्रोजेक्ट तुम्हें दूंगा ही नहीं क्योंकि तुमने मुझसे सीखा ही नहीं है। कोई बात नहीं, लेट नहीं हुआ, तुम अभी आओ, 2 घंटे निकालो, मैं तुम्हें 2 घंटे में पूरा प्रोजेक्ट सिखाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी में कैसे सिखाऊंगा, पर मैं तुम्हें पूरा प्रोजेक्ट सिखाऊंगा तभी मैं दूंगा, अदरवाइज मैं दूंगा ही नहीं। उसका रीजन क्या है, बच्चा देखता है कि भैया हमने 12,000 रुपये दिए, पर मैं ये देखता हूँ कि जिस कैंडिडेट ने मुझे 12,000 रुपये दिए वो उसकी उम्र आज है ना 16-17 साल है, वो बी करेगा, बी के बाद में वो जॉब नहीं कर पाएगा, तो मुझे अफसोस होगा कि अगर मैं इसको सिखा देता तो शायद वो जॉब पे लग जाता है ना। इसलिए बहुत बार तुम्हारे तो बहुत सीनियर को मैंने पाए डायरेक्ट में मना कर देता हूँ कि भैया दे ही नहीं रहा मैं प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद में वो चीज़ मैं समझाता हूँ उनको, वो फिर हम टाइम निकालते क्योंकि मेरा टाइम कैसा एडजस्टेबल है, तुम जब फ्री हो मुझे आओ, मेरी टीम तुमको सिखाएगी प्रोजेक्ट बनाना, तो फिर तुम आओ सीखो प्रोजेक्ट बनाना, फिर तुम अपना प्रोजेक्ट लेके जाओ, तो उससे क्या होता है तुम्हारा बेनिफिट होता है। ये क्या चीज़ होती है कि
वी आर नॉट डूइंग बिजनेस हियर, इट्स अ एजुकेशन फॉर्म, तो हमें यहाँ पे ट्रेनिंग देना हमारा मोटो है कि बच्चे सीखे, बच्चे बेनिफिट लो, वो हमारा मोटो है रेदर देन जस्ट टू मेकिंग मनी. अब क्या होता है कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको क्या चीजें सीखने की जरूरत है वो नोट डाउन कर लीजिए हमेशा, वो आपके आगे फ्यूचर में काम आएगी, बी एमटेक हर जगह काम आती है. हमेशा प्रोजेक्ट बनाने में आपको सीखना पड़ता है प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है कि आपने कौन से प्रेजेंट कंपोनेंट यूज किए, वहां पे आपने कौन से कंपोनेंट यूज किए और उनके अल्टरनेटिव क्या थे. अल्टरनेटिव मतलब क्या हुआ कि अगर आपने वहां पे फर्ज कीजिए आपने वहां पे यूज किया है कि मोटर यूज करिए डीसी मोटर, तो आप पूछिए आपके ट्रेनर से क्वेश्चन कि डीसी मोटर तो एक इकलौती मोटर नहीं होती है, मोटर तो एसी भी होती है, स्टेपर भी होती है, सर्वो भी होती है, तो आपने यही क्यों यूज करी, ये क्यों यूज नहीं किया, क्वेश्चन राइज करो. अगर क्वेश्चन राइज नहीं करोगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी हमारी. क्वेश्चन राइज करो कि एसी मोटर वहां पे क्यों यूज नहीं करी, यूज करते तो क्या होता हमारे साथ, स्टेपर मोटर यूज करने का नहीं यूज करने का रीजन क्या था, सर्वो यूज नहीं करने का रीजन क्या था, फिर आप डीसी मोटर यूज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर बाकी चीजें क्यों यूज नहीं करी वो आपको पता होना चाहिए, है ना. कंपोनेंट का ये तक सिर्फ कंपोनेंट्स के बारे में. उसके बाद में आता है सर्किट कैसे बनाया, जो सर्किट डायग्राम दिया था वो आपने बनाया कैसे, ठीक है. तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक सिमुलेटर होता है, सर्किट्स के सिमुलेटर होते हैं. अभी टाइम कम है तो मैं सिर्फ नाम लिख देता हूँ, ये होते हैं सर्किट सिमुलेटर्स, सिमुलेटर्स कहते हैं इनको. हर प्रोजेक्ट का सर्किट उस सिमुलेटर पे बनता है पहले, वो सर्किट बनाना सीखो क्योंकि वही सिमुलेटर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है. अगर यही प्रैक्टिस कर ली तो अपने को जॉब 100% गारंटी मेरी. सिमुलेटर्स बनाना सीखो, कैसे सिमुलेटर में सर्किट कैसे बनाते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है पीसीबी. ध्यान रखना मैं क्या चीज लिख रहा हूं, पीसीबी लेआउट. पीसीबी लेआउट बनाना है, पीसीबी फॉर्मेशन कभी भी नहीं सीखना है. आप में से मैं गारंटी से बोल सकता हूं, कोई भी अगर आप सीनियर को जानते पुराने, मतलब जो अभी बड़े जो भी सीनियर होंगे जिन्होंने पीसीबी फॉर्मेशन सीखा है उनका करियर वहीं खत्म हो गया है. उसका मैं रीजन बताता हूं आपको. पीसीबी फॉर्मेशन अब कभी भी कोई मैनुअल नहीं होती, अब सीएनसी मशीन करके एक आती है, सीएनसी मशीन, वो पीसीबी बनाती है पूरी. तो वो आप बस डिजाइन डालो, वो पीसीबी बना के आपको टेस्ट करके दे देगी डायरेक्टली, ठीक है. तो यहाँ पे कभी भी जॉब नहीं लगती है. और ये प्रोसेस क्या होती है, बच्चे क्या करते हैं पीसीबी लेते हैं, सॉल्यूशन में डालते हैं उसको और एक घंटे तक बैठे बैठे डब्बा हिलाते रहते हो, ऐसे ऊपर नीचे डब्बा करते रहते हैं. वो एक घंटे बाद पीसीबी बन जाती है. मेरे यहाँ पे हर बार कम से कम 10 लोग ऐसे आते हैं एम्प्लॉई जो जॉब करने के लिए आता है, वो मैं उनको बोलता क्या सीखा था तुमने प्रोजेक्ट में, तो बोलते हमने पीसीबी बनाना सीखा था, मतलब पीसीबी फॉर्मेशन. मैं कहता हूँ फॉर्मेशन तो जाने दो, मेरे यहाँ पे मशीन लगी हुई है पीसीबी, उसमें डिप करना, 2 मिनट में वो पीसीबी बना के दे देती है. मुझे तो पीसीबी का लेआउट कैसे बनाया था, तो उनको ये जीरो नॉलेज होती है. तो आपको लेआउट बनाना सीखना हमेशा, ठीक है. पीसीबी का डिजाइन कैसे बनता है ये चीज यूज की जाती है इंडस्ट्रीज के अंदर, ये तो डायरेक्ट मशीन काम करती है, तो आपकी जॉब लगेगी इसके ऊपर. इसके बाद आता है आपका कोडिंग, कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में एक्सवाई जेड कोडिंग है, तो कोडिंग की एक एक चीज निकालो, कि पूरे प्रोजेक्ट की कोडिंग कभी भी नहीं सीखना है एक ही बार में. आपके प्रोजेक्ट में यूज हुआ मोटर ड्राइवर, है ना, जैसे हमने यहाँ पे कुछ तो भी बनाया था, आई गेस ये आप बोलो कि मुझे ये बताओ अल्ट्रासोनिक सेंसर प्रोजेक्ट के साथ कैसे यूज करते हैं, सिंगल अल्ट्रासोनिक सेंसर कंट्रोलर के साथ कैसे यूज करते हैं, सिंगल माइक कंट्रोलर के साथ कैसे यूज करते हैं, सिंगल मोटर ड्राइवर पहले कंट्रोलर के साथ कैसे यूज करते हैं, स्पीकर कैसे यूज करते हैं, वो सब सिखाओ. जब मैं ये सब चीजें सीख लेता हूँ, मतलब मैं ये जो 6 चीजें चलाना सीख लेता हूँ, उसके बाद मुझे प्रोजेक्ट का फाइनल कोड बताओ कि अब प्रोजेक्ट का भैया आपका फाइनल कोड ये है, तो आपको बेनिफिट है उसका. पर अगर आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट का फाइनल कोड सीख रहे हो तो मतलब ही क्या आपने सीखने का. ये तो वही बात हो गई कि सब्जी तो हर जना खाता है, हमेशा हर जना पनीर की सब्जी खाता है, पर पनीर की सब्जी बनाते कैसे वो आना चाहिए ना, कितने आपको पनीर किस साइज में काटने, कौन सा पनीर लाना होता है, कितना मसाला डालना होता है, कब नमक डालना है, मिर्ची डालना है, कब तड़का लगाना, वो सब चीज़ आपको पता होना चाहिए वहाँ पे.
तो ये सब चीजें जो है ये है आपकी सब्जियां, ठीक है। आपको सब्जी खानी नहीं है, सब्जी बनाना जानना है कि बनाते कैसे। तो इस टाइप से पीसीबी लेआउट और लाइन कोडिंग, जब भी आप कोडिंग पे जाओगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको हर सिंगल कंपोनेंट के बाद फिर पूरा प्रोजेक्ट का होल कोड सीखो, ठीक है। तो ये अपना सिस्टम, अपना वर्क खत्म होता है। इसलिए किसी का कोई डाउट है तो आप लोग बिल्कुल मुझे बता सकते हो, किसी का कोई भी डाउट है तो ये टाइम है एकदम सही पूछने का। डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट अब तक के सेशन। इसके अलावा कोई चीज आप जो आप लोग जानना चाहो? ठीक है, मैं आपको हमारे डिटेल्स लिख देता हूँ ऑफिशियल। किसी को कोई भी डाउट होता है अगर, तो क्योंकि सेशन का टाइम खत्म हो गया, आप मुझे कॉल कीजिएगा। अगर आपको टॉपिक सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत आती है, कोई भी प्रोजेक्ट में दिक्कत आती है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। कोई आपको लगता है कि यार सर मुझे एम्बेडेड सिस्टम सीखना है, मुझे IoT सीखना है, मुझे जॉब चाहिए, मैं इंजीनियरिंग पैसा बर्बाद, घर वालों को पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे जॉब चाहिए, मुझे बताइए कि ये पॉइंट के ऊपर मुझे क्या चीज़ सीखनी चाहिए, ये पॉइंट क्या मैं करूँ, मेरा स्किल सेट ये है, मेरा इंटरेस्ट ये है, अब इसके लिए मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और या आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, वी आर हाईली रेटेड कंपनी हियर। आप गूगल पे डॉक्स पर सर्च करोगे डेफिनेटली हमारा ऊपर लोकेशन वगैरह सब कुछ आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दैट्स ऑल अबाउट अस एंड ये पूरा अपना आज का सेशन था। आई रियली लाइक कि आप लोगों को मजा आया, आपसे बात करके भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कई लोगों ने अच्छे आंसर दिए, आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। संडे को आप लोगों ने अपने करियर के लिए जॉब, अपने करियर के लिए टाइम निकाला, उसके लिए थैंक यू, है ना, क्योंकि मोस्टली संडे को सब लोग घूमने फिरने निकल जाते हैं, पर आप लोगों ने आज संडे का रखने का ही कंसर्न नहीं था, हमें सिंसियरिटी देखनी थी। मंडे ट्यूसडे तो हर जन आ जाएगा, पर हमें यहाँ पे सिंसियरिटी देखनी थी। तो थैंक यू सो मच, किसी का कुछ भी डाउट होता है तो आप बताइएगा मुझे। आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड लक।